तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कैटरिंग का काम करता हूँ। तो चलो, आज मैं आपको बताता हूँ एकदम स्वादिष्ट तरीके से पनीर कैसे बनाई जाए। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा लहसुन और मिर्ची अदरक का पेस्ट बना लो आप। उसके बाद प्याज टमाटर को काट लो। प्याज टमाटर को अलग से थोड़ा तेल और जीरा डाल के प्याज टमाटर को थोड़ा पका लो। जब एक उबाल दो उबाल आ जाए, पक जाए, तो उसको ग्राइंडर में पीस लो। पीस के अलग रख लो और लहसुन मिर्च अदरक अलग पीस के रख लो। उसके बाद उसमें तेल डालो। तेल के बाद जीरा डालो। जीरा के बाद थोड़ा तेज़पत्ता डाल दो। तेज़पत्ता के बाद थोड़ा लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट डाल दो। उसके बाद उसके अंदर जो प्याज टमाटर वाला पेस्ट है उसको डाल दो। उसके बाद थोड़ा पनीर मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर डाल दो। उसके बाद थोड़ा मीट मसाला डाल दो और थोड़ा पानी ऐड कर दो, हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर दो उसमें। उसके बाद उसको उबालो। जब वो पक जाए पूरा, तो उसमें पनीर और मटर, पनीर आप पहले से ही तेल में फ्राई करके रख लो। उसके बाद पनीर और मटर उसमें ऐड कर दो। उसके बाद जब उबल जाए, फिर उसको उतार लो। एकदम एक नंबर पनीर बनेगी, एकदम हलवाई जैसे। हलवाई तो मैं हूँ ही, बनाता हूँ मैं पूरा खाना आप लोगों का। उसका वीडियो भी दिखाऊंगा आप, क्योंकि अब मैं खाने से संबंधित ही वीडियो डालने वाला हूँ। इसमें सब टोटल खाना वाला वीडियो डालूँगा, क्या क्या कैसे कैसे बनाता हूँ, 500 आदमी में कितना लगता है, 100 आदमी में, 1000 आदमी में, 1500 आदमी में, 300 आदमी में, हर तरह के वीडियो मैं बनाऊँगा दोस्तों। आप लोगों को अगर कोई वो हो तो पूछ सकते हो हमसे कमेंट में, मैं हर चीज़ का रिप्लाई आपको टाइम से दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।